जिसकी वजह से बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है जिसका तज़किरा मैंने अभी अर्ज किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हत्तुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएँ जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए, इसलिए रोज़मर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाजुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा ज़ैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर वन, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ द एयर टिकट या 50,000 रुपये जो भी ज़्यादा हो विचएवर इज़ हायर 20% ऑफ द एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा और 50,000 विचएवर इज़ हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात पर भेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है, हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर तीन, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मज़र हैं, इसलिए सिगरेट एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर चार, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये/किलोग्राम थी उसको बढ़ाकर 2 रुपये/किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में, और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये/किलोग्राम ही थी, कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जब स्पीकर, नंबर पाँच, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी महसूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफा ये इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए।